किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट गाजर का हलवा। गाजर के हलवे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री: आधा किलो या तीन गाजर कद्दूकस की हुई, ये मैंने पहले ही कद्दूकस कर ली है। 200 ग्राम मावा, 1 बाउल या 200 ml दूध, क्योंकि मैंने मावा साथ में लिया है। 250 ग्राम चीनी, यदि आप चाहें थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार। 3 चम्मच देसी घी, बादाम का टुकड़ा गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा पिस्ता गार्निशिंग के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। सबसे पहले ये कद्दूकस की गाजर को हम फ्राई पैन में डालेंगे, इसे 2 मिनट तक थोड़ा सा मीडियम आंच पे भूनेंगे, जिससे कि इसका पानी सूख जाए। नहीं लेना चाहते तो आप 1 किलो के आसपास दूध ले सकते हैं। दूध को गाजर के अंदर तकरीबन 5 मिनट तक सुखाना है। जब हमारा दूध सूख जाएगा तो इसके अंदर मैं मावा मिक्स करूंगी। हमारा मावा गाजर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और खूब अच्छी तरह भून चुका है। इसको आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। जब ये आपका पूरा भून जाए और आपको लगे कि सूखने लगा है, आपके किनारे देखिए ये सूखने लग गए हैं, तो आप ये चीनी जो मैंने ली है वो आप डालिएगा। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 250 की जगह आप 300 ml चीनी भी ले सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क लेंगे तो थोड़ी सी चीनी कम डालिएगा। अब मैं चीनी को धीरे धीरे मेल्ट करूंगी मीडियम फ्लेम पे। देखिए हमारी चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और उसका जो पानी है वो ड्राई हो गया है। इस साइड से आपको पता चल जाएगा कि अपना ड्राई हो गया। आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे चीनी को सुखाने के लिए। अब मैं इसमें 1 या 2 चम्मच ये देसी घी जो मैंने लिया है इसको डाल के भूनूंगी। हमारा हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और लगेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी की, मावे की, गाजर की। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये अपना कटा हुआ बादाम वो इसके अंदर डालूंगी। आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं, चिरौंजी आपकी पसंद की। थोड़ा सा मैं पिस्ता डाल रही हूँ और बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ।
गार्निशिंग के बाद हमारा गाजर का हलवा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है। लीजिए हमारा स्वादिष्ट गाजर का हलवा तैयार है। आप इसे जरूर बनाइए, सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ लीजिएगा। और हाँ, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आपको नई रेसिपी की सूचना मिल जाए। तब तक एंजॉय कुकिंग। ओके बाय।